नाजरीन अवां के नूरियाबाद में एक अहम खबर दींदा हलूँ। नूरियाबाद वेझो गोठ शौकत पालारी की जमीन से रिटायर्ड DIG वाजिद दुरानी के कब्जे की कोशिश। नूरियाबाद थाने ते गोठाणन ते कोड़ा केस दाखिल करे गोठाणन के हरासा करे रहयो आहे। काफी अरसे खां गोठाणन आई वाजिद दुरानी के विच में जमीनी तकरार हलंदड़। गोठाणन साफियन अगियां दाहिंदे चयो तो वाजिद दुरानी केतरे अरसे खां गोठ जी जमीनन ते कब्जो करण चाहे थो आई असा के लडाण जी कोशिश करे रहयो आहे। नूरियाबाद पुलिस पैसन एवज वंगार वही रही आहे आई पुलिस गोठाणन के तंग करे रही आहे। गोठ वारन वजीर आला सिंध आई चूंडन निमाइंदन तोड़े वस वारन के अपील कई आहे त संदन गोठ जी जमीनन ता कब्जो खत्म कराए गोठाणन सा इंसाफ कयो वने। वजीर आलम IG सिंध DIG हैदराबाद SP मलिक असद के जियाउर रहमान के रुकेट गोठन मारे रुकेट असाजी नजादी नूरियाबाद के करीब गांव शौकत पुलारी में हमारे साथ नाजाज कब्जा ग्रुप वाजिद दुरानी और करीम नियाजी ने जबरदस्ती अपने जोर पे हथियारों के जोर पे नूरियाबाद पुलिस को लेकर रोजाना हमारे ऊपर FIR कटवाना, हमारे को ऊपर धमकी दिलाना, ये हमारे साथ बड़ी नाजायजी। हम वजीर अला सुंद मुराद अली शाह और बिलाल भुट्टो साहब को और वजीर अजम पाकिस्तान को और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को और हाई कोर्ट हैदराबाद शीशन कोर्ट कराची हैं तो हमारे साथ जैसे कि हमारा गांव ये कदीम गांव है गोठ शौकत पालारी नूरियाबाद, इसमें DIG वाजिद दुरानी उसने ज़बरदस्ती कब्जा करके हमारे गांव को यहां से ख़त्म कराना चाहता है। हम मुतालबा करते हैं SSP जामशोरो और IG सिंध वजीर अला सिंध बिलावल भुट्टो इमरान खान चीफ जस्टिस आर्मी इन बिल्डर माफियाओं के से हमें हमारा गांव बचाया जाए और हमें तोहफे दिए जाए जी को कि हमारे पास इधर ये FIR की 7 बंदों के ऊपर इन्होंने करवाया है। नूरियाबाद का ऐसे जो हाशिम गरोई जो उन बिल्डरों से मिलकर हमारे इधर गांव को जोरी इधर से लड़पड़ाम करना चाहता है। हम मजम्मत करते हैं कि इनको बराई मेहरबानी सिंध IG DIG और बिलावल भुट्टो को कि हमारों को मुफ्त दिया। दादा भाई सिमित जी के बिल्कुल सामने इधर एक हमारा छोटा सा गांव, उसमें एक बंदा है दुरानी नाम से, एक रिटायर्ड है, वो बेवजह जो ना हमारे गांव पे हमला करके कभी बकरियां चोरी करके लेके जा रहा है, कभी पुलिस को लेके आ रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी फायरिंग कर रहा है, इसको इतना समय नहीं आ रहा है, बेवजह जो ना हमारे साथ नजायज हो रहा है। ये इसके लिए हम ऊपर थोड़ा अपील करना चाहते हैं, हम गरीब आदमी, हमारा को सांस बचाना चाहिए और हमारे कोई इतना बड़ी अपील नहीं है। आपका और हमारा हर पल का साथ, देखते रहें साथ न्यूज़।